लिए अशोकनगर से ही नगर परिषद ईसागढ़ द्वारा आनंद उत्सव मनाया गया। शासन के निर्देश अनुसार आनंद उत्सव 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईसागढ़ में रंगोली चित्रकला निबंध लेखन प्रतियोगिता सम्पन्न हुई, जिसमें शासकीय व प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद ईसागढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का निरीक्षण नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीति शिवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष गोविंद कुमार सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह, पूर्व ईसागढ़ नगर अध्यक्ष भूपेंद्र नारायण द्विवेदी व शासकीय कन्या विद्यालय प्राचार्य ब्रजेश देवलिया व पत्रकार गण उपस्थित रहे। जिन बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया था वह जो प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर आएंगे उन्हें नगर परिषद ईसागढ़ द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। अशोकनगर से जिला ब्यूरो चीफ गौरव विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अपने नगर शिक्षा जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें, इसी भावना के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। तो मैं स्टार्टिंग करूंगी तृतीय स्थान से, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन जैसा कि सभी को विदित है परीक्षा में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान तीन ही स्थान प्राप्त होते हैं, लेकिन इस आयोजन में 10 सर्वश्रेष्ठ भी हैं और 25 श्रेष्ठ भी हैं, और उसके बाद सभी विद्यार्थियों ने जिसने पार्टिसिपेट किए थे सभी को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। लेकिन चलिए मैं थर्ड, जिसने थर्ड स्थान प्राप्त किया है मतलब तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उसका नाम है रिम झिम ओझा। दो तालियां और अजाय रिम झिम ओझा और हमारे बीच उपस्थित अतिथियों से अपनी शील प्राप्त करें। रिम झिम ओझा जिन्होंने मंत्र के ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा लिखित किताब उसकी सम्मानित करें और जोरदार तैयारी देखें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह जी, पूर्व विधायक बोलने को सिर्फ जोड़े नहीं है, आता कि भाई साहब ने सब कुछ कह दिया है और पुराने जमाने की जो हमको शिक्षा मिलती थी तो उसमें जो कह सुनाया कि डंडे से पिटाई लगती थी अगर गड़बड़ करते, और उसके बाद में जो खावट खोज भी थी ना तो एक एक्स्ट्रा पिटाई घर में भी लगती थी, एक बात झूलती थी जो मैं कह रहा हूँ शिक्षा की, अगर मैं बन गया खबर पिटाई हो जाए। बोलते हुए बहुत छोटी सी बात कहूंगा, आजकल हम जब भी रिजल्ट आते हैं चाहे वो उच्च शिक्षा के हों, हायर सेकेंडरी के हों, बोर्ड के हों। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।